योर क्वेश्चन इज अ ब्राउन सब्सटेंस एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ सब्सटेंस वाई। एयर का मतलब प्लस ओ टू, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हीटेड बाई इट अगेन चेंजेस बैक इन टू एक्स। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो एक्स है आपका वो कॉपर है। ब्राउन क्या दिया ना, कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स है। इसको आपने हीट किया, बट वी विल हैव कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। ये आपका वाई हो गया। फिर आपको कहा जा रहा है हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हीटेड बाय, आपने कॉपर ऑक्साइड को फिर हाइड्रोजन गैस से पास किया और इसको हीट किया। वी विल अगेन गेट कॉपर प्लस वाटर, इट अगेन चेंजेस बैक इन टू एक्स। तो दोबारा वो एक्स में चेंज हो गया। नेम द सब्सटेंस एक्स कॉपर, नेम द सब्सटेंस वाई कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर। आंसर आप जब लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे आप, द सब्सटेंस एक्स इज कॉपर। ये क्लियर हो गया। ऑन हीटिंग इन एयर इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन। ये आपका एक्स सब्सटेंस है। आपने इसको ऑक्सीजन के साथ, एयर का मतलब हो गया प्लस ओ फ्रॉम एयर, बट वी विल गेट कॉपर ऑक्साइड और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। और ये आपका वाई। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या था, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट टर्न्स कॉपर ऑक्साइड बैक इनटू द कॉपर। तो जब आपने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करवाया, उसको हीट किया, बट वी विल गेट कॉपर प्लस वाटर। अगेन वही आ गया आपके पास। ठीक है, दिस इज द हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।